एवरीवन, दिस इज मोनिका। वेलकम टू अनदर वीडियो। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अमेज़ॉन की कुछ ड्रेसेस जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसमें मिडी ड्रेसेस हैं, ऑल्सो शॉर्ट ड्रेसेस हैं, दोनों ही तरह की ड्रेसेस इसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले मेक श्योर करें कि चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, बिकॉज इस चैनल पर मैं हॉल वीडियोज, ब्यूटी रिलेटेड वीडियोज, ऑल्सो स्टाइलिंग वीडियोज अपलोड करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझसे अगर आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम यूजर आईडी है टच ऑफ गर्ल, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है, ये भी मैंने अमेज़ॉन की ड्रेसेस वीडियो में शेयर कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, आपसे मिस हो गया है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, वहां जाके आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं। सो सबसे फर्स्ट जो ड्रेस है ना गाइस, वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसका डिजाइन, इसका पैटर्न सब कुछ डिफरेंट है। सो यहाँ पे ना इसमें फ्रंट से ना आपको शर्ट ड्रेस मिल जाएगा, बाहर से आपको बहुत ज्यादा आवाज आएगी, तो प्लीज उसे इग्नोर कर दीजिएगा, बिकॉज मैं कुछ भी नहीं कर सकती उसके लिए। सो यहाँ पे ना फ्रंट से आपको शर्ट टाइप का डिजाइन इसमें मिल जाएगा। इसका जो डिजाइन है वो यहाँ से कुछ आपको है ना से धोती स्टाइल टाइप का नहीं होता, थोड़ा सा यहाँ पे प्लीट्स इस टाइप का आपको मिल जाएगा। वैसे मैं पहन के दिखाऊंगी, उसमें आपको इसका लुक ना अच्छे से समझ आ जाएगा। ऑल्सो इसमें बेल्ट्स दी हुई हैं, यहाँ पे इसमें बटन्स मिल जाएंगे, और ये आपको कॉलर नेक के साथ मिलेगा। व्हाइट एंड रेड कलर के कॉम्बिनेशन में है, ऑफ व्हाइट एंड रेड कलर के कॉम्बिनेशन में। इसका फैब्रिक है पॉलिएस्टर, अंदर से आपको ना बॉटम में इनर वेयर करना पड़ेगा, बिकॉज ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि सी थ्रू है। सो अंदर से इनर आपको वेयर करना पड़ेगा। सो ये अच्छा लग रहा था वेयर करने के बाद। ऑल्सो इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा है। मैंने जो पहना हुआ साइज है वो है एम, जो कि मुझे इसमें परफेक्ट है। गाइस, ये एक शॉर्ट ड्रेस है, समर ड्रेस है। इन केस अगर आप बीच पे जा रहे हैं, कहीं वेकेशन प्लान कर रहे हैं, तो ये ड्रेस बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज मुझे इसका कलर प्रिंट काफी ज्यादा पसंद आया। ब्लैक में है, मेजरली इसमें ब्लैक कलर है, और काफी सारे फ्लावर्स अच्छे बने हुए हैं। यहाँ पे आपको स्लीवलेस मिल जाएगा, बैक से इसमें टाई करने के लिए ना ये आपको इतनी बड़ी स्ट्रिंग्स मिल जाएंगी, सो बैक में आप इनको टाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा फिट एंड फ्लेयर टाइप का इसमें लुक आएगा। फैब्रिक इसका पॉलिएस्टर है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था वेयर करने के बाद। प्राइस वाइज भी गाइस, ये बहुत कम प्राइस में, आई थिंक 399 रुपीज समथिंग। सो 399 रुपीज तो मुझे लगता है इस टाइप के ड्रेस के लिए काफी अफोर्डेबल प्राइस में है। मैंने जो इसमें साइज पहना हुआ है वो है एम, जो कि मुझे इसमें परफेक्ट आया है। नेक्स्ट जो पीस है ना गाइस, ये एक मिडी ड्रेस है, एंड ये ड्रेस तो गाइस मुझे बहुत ही पसंद आई, बिकॉज इसका ना कलर कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा सुंदर है। ये आपको ये मस्टर्ड येलो कलर में मिल जाएगा। ऑल्सो यहाँ पे ना इसमें डिजाइन भी दिया हुआ है, थोड़ा सा ब्राउन कलर का। पॉलिएस्टर इसका फैब्रिक है, यहाँ पे आपको रस टाइप का फैब्रिक मिल जाएगा। ऑल्सो ये पूरा वही फिट एंड फ्लेयर टाइप का इसमें लुक आएगा। इसका कलर प्रिंट मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने इसको परचेज किया। इसमें भी मेरा साइज एम है, जो कि मुझे इसमें परफेक्ट आया है, बिकॉज यहाँ से ना मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, बट ये बहुत कंफर्टेबल है गाइस वेयर करने में। इसका फैब्रिक पॉलिएस्टर है तो वॉशेबल है। इसका लेंथ बहुत अच्छा है, मीन्स मेरे थोड़े से मिडी लेंथ से भी नीचे आ रहा था। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपको पफ स्लीव्स मिल जाएंगी, लुक बहुत अच्छा है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, हाईली रिकमेंड। नेक्स्ट जो पीस मैंने परचेज किया है गाइस, वो है ये वाला। ये भी एक मिडी लेंथ है, मिडी लेंथ ड्रेस है। इसमें भी मेरा साइज एम है। इसका भी कलर काफी ज्यादा अच्छा है। सो ये ब्लैक में है, ऑल्सो फ्लावर्स बने हुए हैं इसमें, और ये इसमें जो स्लीव्स है वो आपको 3-4 स्लीव्स मिल जाएगी। ये नॉर्मल सिंपल ड्रेस है, अगर आपको ज्यादा ड्रेस में तामझाम नहीं चाहिए तो आप ये वाला पहन सकते हैं। ये आपको जॉर्जेट फैब्रिक में मिलेगा। ऑल्सो यहाँ पे इसमें अलग से लाइनिंग भी दी हुई है। सो ये भी आपको थोड़ा सा फ्लेयरी काइंड ऑफ ड्रेस मिल जाएगा, तो ए लाइन पैटर्न में ये ड्रेस दिया हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, हाईली रेकमेंड। ड्रेस है गाइस, ये भी एक शॉर्ट ड्रेस है, बट ये ड्रेस ना मुझे थोड़ा सा अलग लगा, मतलब बाकी सारी ड्रेसेस के कंपैरेटिवली, बिकॉज ये थोड़ा सा यूनिक डिजाइन लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने इसको परचेज किया। वैसे ये साइज जो मैंने पहना हुआ है वो साइज मुझे काफी ज्यादा लूज है, तो इसमें एक साइज अपना छोटा भी ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे ना आपको ये जो सुपर नेट टाइप का फैब्रिक होता है, कूटा डोरिया टाइप का फैब्रिक, वो फैब्रिक है इसका। चुभने वगैरह कोई प्रॉब्लम इसके साथ में नहीं आई है, और यहाँ पे अलग से लाइनिंग भी लगाई हुई है, बिकॉज इसका नेट फैब्रिक है, तो पॉलिएस्टर फैब्रिक इसमें लाइनिंग मिल जाएगी। इसका जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा पसंद आया मुझे। इसमें वी नेक मिलेगा, यहाँ पे वी नेक है। ऑल्सो इसमें दी हुई है ये स्ट्रिंग्स टाई करने के लिए साइड में। वैसे भी स्ट्रिंग टाई करने के बाद भी ये मुझे काफी ज्यादा लूज थी, तो इसमें मैंने एम साइज ऑर्डर किया था, तो एम साइज इसमें मुझे काफी ज्यादा लूज है, तो आप इसमें एक साइज छोटा भी ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे इसका लुक जो है वो बहुत प्यारा लग रहा था, सो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, हाईली रिकमेंड। मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर करिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज़।